हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसी हो मीरा? अच्छा तेरा भाई को फोन देना। भैया ने तुम्हें बताया नहीं क्या कि वो बैंगलोर जाने वाले हैं? आज सुबह बैंगलोर चला गया? हाँ, बैंगलोर में हर साल इम्पोर्टेड कार्स का एग्जीबिशन लगता है और भैया तो हर साल जाते हैं, पर इट्स स्ट्रेंज कि तुम्हें नहीं बताया उन्होंने। नहीं, अभय ने मुझे नहीं बताया कि वो बैंगलोर जा रहा है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। एनीवे बाय। ओके बाय। सुनीति कहाँ है वो? सर वो तो आई नहीं अभी तक। आई नहीं अभी तक? उसे कहो कि अगर वो नौकरी करना चाहती है तो करे, नहीं करना चाहती तो ना करे। नौकरी छोड़ सकती है वो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे कॉल करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है रवि। अब क्या मेरा सारा स्टाफ ये मालूम करता रहेगा अपना काम छोड़कर कि मिस सुनीति वर्मा ऑफिस आ रही कि नहीं आ रही? लिपस्टिक उसके बिना भी चल सकता है। तरुण कहाँ? वो तो प्रेस में गए सर। प्रेस में गए? प्रेस में तो तुम्हें जाना चाहिए था रवि। तरुण लिपस्टिक का मैनेजिंग एडिटर है और भी सारी जिम्मेदारियां उस पर। मैं तो समझ रहा था कि सुनीति लिपस्टिक की मैनेजिंग एडिटर है। समझ तो मैं भी यही रहा था रवि, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास बिल्कुल नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली यू। कल तक तो उसके गुण गाते नहीं थकते थे और आज। नमस्ते सुमन दीदी। अरे मीरा, आ बैठो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। रहने दीजिए, मुझे चाय नहीं पीनी। आप बताइए आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। तुम ये बताओ कि रवि कैसा है? बहुत खुश। खुश तो होगा ही, तुम दोनों की शादी जो हो रही है कुछ दिनों में। लेकिन देखिए ना, अब भी वो ऑफिस जाता है। अरे तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? बस यूँ ही जी नहीं कर रहा था। अच्छा मीरा, अभय कब लौट के आ रहे बैंगलोर से? क्यों, मिस कर रही हो? एक्चुअली मैं तो भैया को जाने ही नहीं दे रही थी। क्यों? अरे मेरी शादी जो है। लेकिन जब बाद में भैया ने प्रॉमिस किया कि वो मेरी शादी के दिन लौट आएंगे, तब मैंने कहा ठीक है जाओ। अच्छा मीरा, अभय ने अपनी शादी के बारे में कुछ सोचा है? मतलब वो कब सुनीति से शादी करना चाह रहा है? क्योंकि हम शादी की डेट फिक्स करना चाह रहे थे। डेट तो फिक्स हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों पंडित ने कैंसिल कर दी। वैसे आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, भैया कभी भी शुभ मुहूर्त या शुभ घड़ी में विश्वास नहीं रखते। पता नहीं इस बार पंडित की बात कैसे मान गए। ये बात कब बताई अभय ने तुम्हें? कौन सी बात? यही कि वो सुनीति से शादी पोस्टपोन करना चाहता है। कल सुबह। मतलब जिस रात सुनीति तुम्हारे यहाँ रही थी उसके अगले दिन? अगर आप चाहें तो भैया कल सुनीति से शादी कर लें। हाँ दीदी, अभय ने मुझसे यही कह रहा था। और यही मैं सुनना चाहती हूँ अभय के मुँह से। ठीक है, मैं भैया के लौटते ही पंडित से बात करके शादी की डेट फिक्स करवा देती हूँ। अब मैं चलती हूँ, मुझे शॉपिंग करनी है। अरे मीरा, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। अरे तुम क्यों नहीं चलती मेरे साथ? अपनी शादी का जोड़ा खरीद लेना। अरे वो तो मैं खरीद चुकी हूँ और पहन भी चुकी हूँ। मैं चलती हूँ। बाय। सुनीति, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो? बस ऐसे ही दीदी, और जब तक सारी बातें साफ नहीं हो जाती मैं वहां जाकर काम नहीं कर पाऊंगी। अब तो सारी बात रवि और मीरा के शादी के दिन ही क्लियर होगी, क्या तुम तब तक ऑफिस नहीं जाओगी? पता नहीं दीदी,
लेकिन मैं आज नहीं जाऊंगी। आज या आज से? मतलब? मतलब अभय ने तुम्हारे सामने शर्त रखी है कि जब तक तुम लिपस्टिक नहीं छोड़ोगी वो तुमसे शादी नहीं करेगा। क्या यही सोचकर तुम ऑफिस नहीं जा रही? ऐसी बात नहीं है दीदी, मैंने अभी तक उसके बारे में सोचा भी नहीं। अब तुम क्या सोचोगी सुनीति? अब तो अभय की बात मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या अभय आहूजा भी बैंगलोर गया है? भी मतलब? नहीं नहीं वो सुनीति से शादी करने वाला है ना? हाँ बिल्कुल करने वाला है। सुनीति आजकल ऑफिस क्यों नहीं आ रही? शी इज नॉट वेल, मैंने कॉल किया था उसे। और कोई वजह नहीं है ना? और कोई वजह? कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा है कि मैं लिपस्टिक में उसकी जगह लेने वाला हूँ? क्या तुम ऐसा चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है? नहीं तरुण, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ सुनीति की जगह लेने आए हो। मुझे लगता है कि तुम यहाँ किसी खास मकसद से आए हो। ठीक सोचा तुमने तरुण। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो खास मकसद क्या है? नहीं वो तो मैं इस वक्त तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन तुम प्लीज सुनीति को इतना बता दोगे कि मैं लिपस्टिक में उसकी जगह नहीं लेना चाहता। तुम मेरी शादी में आ रहे हो ना, सुनीति वहीं होगी, तुम खुद ही बता देना। ओके चल, सी यू लेटर। वहां तो जगन लूथरा भी होगा। मेरे पास तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। मैं जिसे चाहूं पापा मेरी शादी उससे करा देंगे। अच्छा तो अब तक कितने लड़के देख चुकी तू अपने लिए? एक भी नहीं। कुमार नया, तू जानती है जिस तरह का लड़का मुझे पसंद आएगा वो क्या अब तक बैचलर रहेगा? क्यों, वो है ना तेरा जगन लूथरा, वो तो अब तक बैचलर है। तू कहे तो मैं तेरी बात चलाती हूँ। हाँ हाँ, अब तो तरुण भी उनके यहाँ काम करते हैं। जगन ने तरुण को लिपस्टिक में क्यों रखा है ये तुम नहीं जानती, मैं जानती हूँ। किस लिए रखा है? एक पुरानी कहावत है इंग्लिश में, पेट द चाइल्ड टू प्लीज द मदर। अभी आगे तू समझ जा। तू चुप कर रूपाली, ये अपनी सास की बहुत इज्जत करती है। पुआ थी, इतनी सीरियल्स मत देखा कर, मिसगाइड कर देते हैं सास बहू को। वैसे तेरी सास है कहाँ? सिंगानिया फैमिली का एक भी मेंबर आज दिखाई नहीं दे रहा। क्यों, मैं और मेरा बच्चा है ना? या ऑफ कोर्स, पर मैं पूछ रही थी तरुण कहाँ है एंड शीतल वेयर शी। तरुण तो अभी आते ही होंगे, शीतल पता नहीं कब आएगी। क्यों, कहाँ गई है? बैंगलोर। तो सुनीति वर्मा ये जानना चाहती है कि तुम उससे शादी कब करोगे? इस बात को लेके बेचारी काफी इनसिक्योर हो गई है। अच्छा तो तुमने क्या कहा उसे? वही कहा जो सुन के थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। तो तुमने कह दिया कि तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो? Something to that kind. तो कर लो। मतलब ये अब है, मैं इस नाटक का क्लाइमैक्स देखने के लिए बहुत बेचैन होती जा रही हूँ। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। मुझे तो लगता है वो तुम्हारे लिए लिपस्टिक भी छोड़ देगी। तुम उसे बस ये कन्वे करते रहो कि अगर वो तुमसे शादी करना चाहती है तो उसे तुम्हारे लिए लिपस्टिक छोड़ना होगा। एंड बिलीव मी अभय, वो तुम्हारे लिए लिपस्टिक छोड़ देगी, लेकिन तब तुम उसे धोखा दोगे। लगत मंडप में बिठाए रखना उसे दुल्हन बनाकर, लेकिन तुम वहां आओगे ही नहीं। उसे तब पता चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या है, किस तरह बर्बाद हो गई है। शी बी कंप्लीटली रुइंड अब है, कंप्लीटली रुइंड। ओके, उसके बाद क्या होगा याद है तुम्हें? क्या? मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी।
तभी तुम ये सब कर रही हो। तुम भी तो मुझे पाना चाहते हो। अभय और शीतल दीदी दोनों बैंगलोर गए और रवि ने मुझे बताया कि अभय सुनीति से शादी करने वाला है। क्या ये बात हमें सुनीति को बतानी चाहिए? क्या बताएंगे हम, तो हो सकता है ये महज एक इत्तेफाक हो। ऐसी बात है तो फिर हमें चुप ही रहना चाहिए, वरना न जाने सुनीति क्या सोच बैठेगी। और खामखा उसकी बनती बात बिगड़ जाएगी। वैसे उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, दो दिन से ऑफिस नहीं आई वो। अच्छा, लेकिन शादी पे तो वो जरूर आएगी। और अभय तो वहाँ हो गई। अच्छा है, सारी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। हाँ, और मीरा कह रही थी कि उसकी शादी पे अभय अपनी शादी की डेट अनाउंस करने वाला है। बस तो फिर लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। वहाँ तीनों होंगे, अभय, सुनीति और शीतल दीदी। दीदी वहाँ पर नहीं होगी। क्यों? वो कह रही थी कि जहाँ पर सुनीति जाएगी वहाँ वो कभी नहीं जाएगी। इतना सब कुछ हुआ, don't you think I deserve a little kiss? अभी? तुम नहीं चाहती? मुझे नहीं लगा कि सिर्फ इसलिए तुम मेरे साथ बैंगलोर आई हो। अभय, मैं बैंगलोर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी डेवलपमेंट जानना चाहती थी। तुमसे मिलना जरूरी था, लेकिन हम वहाँ नहीं मिल सकते थे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी हमारे बारे में पता चले, वरना सारा प्लान चौपट हो जाता। तो रोहिणी आंटी से क्या कहा? माँ से? बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ। दर्पण को रीजनल लैंग्वेज में जो छापना चाहती हूँ। यानी कि शी हैज नो आइडिया दैट मैं तुम्हारे साथ हूँ? नहीं, ना माँ को, ना मिनी को और ना तरुण को। दीपक, दीपक, ये क्या? दीपक, आप अब तक रेडी नहीं हुए? सच कहूँ सुमन, मेरा वहां जाने का जी नहीं कर। एक बात कहो दीपक, मेरा दिल कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं सुनीति से नाराज जरूर हूं, लेकिन मुझे अभय से कोई नाराजगी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो सुमन? हाँ दीपक, तुम देख लेना, आज अभय सबके सामने कहेगा कि वो सुनीति से कब शादी करेगा। मैंने अभय की आंखों में सुनीति के लिए प्यार देखा है, वो उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। काश मुझे भी अभय पे उतना ही भरोसा होता जितना कि तुम्हें। आपको मुझ पे भरोसा है ना, तो फिर चलिए और उठिए। अगर आप नहीं जाएंगे तो रवि को कितना बुरा लगेगा। चलिए उठिए और कपड़े चेंज कीजिए, तब तक मैं देख आती हूँ सुनीति तैयार हुई। सुनीति, देख सुनीति, क्या तुझे डर लग रहा है? सुनीति, सुनीति एक बात बता, तेरा दिल क्या कहता है? क्या क्या तुझे लगता है अभय तुझे धोखा देगा? मुझे धोखा नहीं देगा। फिर तो रो क्यों रही है? मैंने आप दोनों को बहुत हर्ट किया दीदी, आपको चीजों को बहुत दुख पहुंचाया मैंने। पगली, आप नहीं तो अपनों को दुख पहुंचाते। और तू जानती है, तू जानती है हम दोनों दुखी क्यों है? क्योंकि हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुझे दुखी नहीं देख सकते। सुनीति, तू जानती है सुनीति, मुझसे ज्यादा तो तेरे जीजू तेरे बारे में वरिड है। मामा तेरी जिम्मेदारी जो सौंप के गई थी उन पर, तेरे जीजू को तो अभय पहले से पसंद नहीं था। सिर्फ तेरी खुशी के खातिर, तेरी खुशी के खातिर उन्होंने हाँ की थी। अब जब तक ये रिश्ता
पक्का नहीं हो जाता वो खुश नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ दीदी, मैं जानती हूँ, इसलिए तो डरती कि आज अगर किसी भी वजह से रवि और मीरा की शादी हो, अगर अभय ने शादी की डेट पक्की नहीं की तो जाने जी जो क्या कर बैठे। ऐसा मत सोच सुनीति, मत सोच। मैंने जो सोचना था दीदी मैंने सोच लिया। मेरी वजह से जीजू शर्मिंदा नहीं होंगे, मैं इसी नौबत आने ही नहीं दूंगी। यही तो मैं भी चाहती हूँ सुनीति, मुझे तेरे प्यार पर पूरा भरोसा है, तू भी भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। चल अब जल्दी से नीचे आ जा वरना देर हो जाएगी। मरने का इतना ही शौक है तो कम से कम शहर तो असली लोग सुनीति वर्मा